बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, गुड मॉर्निंग क्लास 3। वी आर ऑन पेज नंबर 30 एंड वी हैव द टॉपिक द फायर ब्रिगेड। व्हाट इज़ फायर ब्रिगेड? फायर ब्रिगेड क्या होता है? फायर ब्रिगेड कहते हैं वो शोभा या वो प्रोफेशन जो लोग आग बुझाते हैं। कहीं पर भी आग लग जाती है तो आपको फ़ौरन से आपके माइंड में आता है कि चलिए फायर ब्रिगेड को बुला लेते हैं। फायर ब्रिगेड होते हैं आग बुझाने वाले लोग। When there is a dangerous fire somewhere, जब भी कहीं पर कोई ख़तरनाक आग लगती है, the fire fighters are called to put it out। इसको बुझाने के लिए फायर फाइटर को बुलाया जाता है। They travel in a red fire engine। वो किस गाड़ी में सफ़र करते हैं? वो रेड कलर की गाड़ी होती है। The fire engine has a loud bell or siren to warn others to move out of the way so they can get to the fire quickly। और जो रेड गाड़ी में सफ़र करते हैं और इसके अलावा उनकी जो बेल होती है, जो सायरन होता है, वो बहुत ज़्यादा लाउड होता है ताकि वो दूसरे लोगों को बहाबर कर सकें कि दूसरे लोग जो हैं वो रास्ते से हटते जाएं ताकि वो जल्दी ही आग तक पहुंच जाएं। क्विकली किसको कहते हैं? जल्दी से। नेक्स्ट देखिए, आपके पास यहाँ पर पिक्चर्स हैं। फायर फाइटर्स पुटिंग आउट द फायर इन अ बिल्डिंग। एक बिल्डिंग में आग लगी हुई है और फायर फाइटर क्या कर रहे हैं? इस आग को बुझा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर आपके पास है फायर फाइटर, उनका ड्रेस आपको पूरा जो है वो कम्प्लीट ड्रेस दिखाया हुआ है कि फायर फाइटर जब जाते हैं फायर को पुट ऑफ करने के लिए, उसको बुझाने के लिए जाते हैं, तो उनकी ड्रेसिंग किस किस्म की होती है। वो ख़ुद को बिल्कुल जो है वो प्रोटेक्ट करके जाते हैं, खुद अपनी हिफाजत जो है वो कंप्लीट हिफाजत करके जाते हैं। व्हेन फायर फाइटर गेट टू द फायर, जब वो आग में जाते हैं फायर फाइटर या आग बुझाने वाले लोग जो हैं वो जाते हैं, दे यूज़ लैडर एंड लॉन्ग होसेस टू ब्रिंग वाटर टू पुट आउट द फायर। अब जो लोग आग बुझाने के लिए जाते हैं, फायर ब्रिगेड के जो लोग होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा किस चीज़ की ज़रूरत होती है? सीढ़ी की ज़रूरत होती है। और उन्होंने जो पहने होते हैं वो मोज़े, ऊंचे जो हैं वो मोज़े होते हैं जिससे वो पानी को जो है वो आग तक लेके जाते हैं। दे नीड टू यूज़ लॉन्ग लैडर इफ़ द फायर इज़ इन अ टॉल बिल्डिंग। उनको जो है वो एक लंबी सीढ़ी की भी ज़रूरत होती है जब आग जो है किसी ऊंची इमारत में लगी होती है। दे वेयर हेलमेट, वो सर को कवर करने के लिए हेलमेट पहनते हैं। सम टाइम कैरीज शार्प एक्सेस, और बाजू का जो है वो अपने साथ एक्सेस लेके जाते हैं, कुल्हाड़े लेके जाते हैं। डू यू नो वाई? आपको पता है कि वो कुल्हाड़े क्यों लेके जाते हैं? क्या रीज़न है उनको कुल्हाड़े लेके जाने की? अब नेक्स्ट लाइन में देखिए, उन्होंने खुद आपको रीज़न बताई हुई है कि क्या रीज़न। इफ़ पीपल आर ट्रैप्ड, अगर लोग फंस जाते हैं इनसाइड अ बर्निंग बिल्डिंग, एक जलती हुई इमारत के अंदर, बाजुकात ऐसे अचानक आग लग जाती है कि लोगों को बाहर निकलने का मौका नहीं मिलता, तो इसीलिए वो जो है एक्सेस अपने साथ लेके जाते हैं कि अगर लोग फंसे हुए हैं, दे गो इन, वो अंदर जाते हैं एंड ब्रिंग देम आउट टू सेफ्टी। अब उनको जो है हिफाजत के साथ बाहर लेके जाते हैं, खुद वो अंदर चले जाते हैं और वहाँ से लोगों को जो है हिफाजत के साथ बाहर लेके आते हैं। पीपल हु वर्क फॉर द फायर ब्रिगेड, जो फायर ब्रिगेड में काम करते हैं वो लोग, दे आर वेरी ब्रेव, वो लोग बहुत बहादुर होते हैं। एज दे टेक रिस्क, और वो खतरा मोल लेते हैं, खतरात से खेलते हैं। टू सेव अदर पीपल्स लाइफ एंड प्रॉपर्टी, दूसरे लोगों की जिंदगियों की हिफाजत करने के लिए और उनकी जायदाद की हिफाजत करने के लिए ये लोग अपनी जान को ख़तरे में डालते हैं और अपने लिए जो है वो रिस्क मोल लेते हैं।